मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट 1 इंटरनेशनल स्कूल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है महाराणा प्रताप के बारे में। तो महाराणा प्रताप के बारे में वैसे तो हमने पहले पढ़ लिया था जब हमने अकबर पढ़ा था, अकबर के बीच में, और हमने पढ़ा था महाराणा प्रताप के सेनापति जो मानसिंह जो था उनके बीच में जो हल्दीघाटी का युद्ध, यानी कि अकबर का जो सेनापति था उसमें जो मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दीघाटी का युद्ध होता है। उस हल्दीघाटी के युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप जो घायल घायल अवस्था में होते हैं, उसमें उनका जो स्वामी पर घोड़ा था जिसका नाम था चेतक, वो चेतक उनको उस युद्ध मैदान से बाहर लेके चला जाता है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं महाराणा प्रताप के बारे में डिटेल से। तो पहला पढ़ रहे हैं महाराणा प्रताप का जन्म है विक्रम सन 1597 में ज्येष्ठ पुत्र तृतीय। मानसी के बाद भगवान
आकाश वो भी असफल रहते हैं और लाल के अंदर टोटल उनको भेजा जाता है वो भी असफल रहते हैं। और जब चार वशिष्ठ मंडल असफल रहते हैं तो महाराणा प्रताप के बीच और उनके जो अकबर का जो सेनापति था मानसिंह इनके बीच में 18 जून 1576 को हल्दीघाटी का युद्ध यानी कि 18 जून 1576 को हल्दीघाटी का युद्ध होता है। हल्दीघाटी की वर्तमान के अंदर राजमहल जिले के अंदर और हल्दीघाटी युद्ध के अंदर जो महाराणा प्रताप की तरफ से जो हाथी लड़ता है उस हाथी का नाम था राम प्रसाद और अकबर इस हाथी को बंदी बना लेता है और उसका नाम चेंज करके पीर प्रसाद रख लेता है। फिर अकबर के घोड़े का नाम था चेतक और मानसिंह के हाथी का नाम था मर्दन। यानी कि ये जो महाराणा प्रताप के घोड़े थे सभी वक्त साथ साथ हाथी का नाम भी साथ में आता है। और जो महाराणा प्रताप और हल्दीघाटी के अंदर जो अकबर की जो सेनापति था मानसिंह के बीच में जो घटना घटित होती है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।